बेसिक में जाके भले हलवा खाएं लेकिन मन बुद्धि से बाबा के साथ रहते हैं तो कोई दोस्त नहीं है। हाँ जी, और राम की आत्मा सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है ना, है? है सारी मनुष्य सृष्टि के जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों को बड़े से बड़े और कम से कम रूप में कितने भागों में बांटा जाता है? टोटली 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का धर्म, सूर्यवंश और चंद्रवंशी देवता धर्म। दूसरा भारतीय धर्म, बौद्धी, सन्यासी और सिख, ये भारतीय धर्म है, ब्रह्मचर्य का खास पोषण करने वाले हैं। और तीसरा ग्रुप है जो ब्रह्मचर्य का खंडन करने वाले हैं, पवित्रता का खंडन करने वाले हैं, विदेशी भी हैं और विधर्मी भी हैं। अभी 3 माताओं का याद आया कि नहीं आया? कोई को याद आया? नहीं याद आया? अरे देवी देवता सनातन धर्म में ही होगी कौशल्या, कर्मों में कुशलता भरी हुई हो, योग है कर्मसु कौशलम। भगवान ने जो योग सिखाया उस योग बल में इतनी ताकत है कि जो भी कर्म करेंगे कर्मेंद्रियों से उनमें कुशलता भरी हुई है। ऐसी कुशलता भरी हुई है ईश्वरी याद की जो पतन नहीं होने देगी, पावन बनाएगी। उसको कहते हैं कौशल्या। दूसरी कैटेगरी है सुमित्रा। सो माने सुंदर, मित्रा माने मित्र। जो सुंदर कर्म करने वाली कौशल्या है उसकी मित्र बन करके रहती है। क्या उसका विरोध नहीं करती? माने प्योरिटी का विरोध करने वाली माता नहीं है। और तीसरी है कई कई। एक करती है या कई कई करती है? कई कई खसम बनाती है। उस कैटेगरी की माताओं का नाम हो गया कई कई। नहीं याद आया? पक्का हो गया? कोई समझा ही नहीं उस लड़की ने, है? किसी ने सुनाया? खुद पूछा या किसी ने पंपिंग किया? है? अच्छा, है? है? बनाया लक्ष्मी नारायण जी। जैसी धरणी होगी वैसा ही बीज फलित होगा या दूसरे तरीके का फलित होगा, है? तो जो शिव है वो शिव की धरणी कैसी है, पतितम कामी कांटा है या जन्म जन्मांतर की
पावन आत्मा है, है? पतितन कामी कांटे में शिव आता है, पतित दुनिया में आता है, बंदरों के देश में आता है, बंदरों की महफिल में आता है। जवाब मिला है? अरे हिंदी भाषा भाषी में आवेगा तो हिंदी बोलेगा या दूसरी भाषा बोलेगा? हिंदी बोलेगा। पतित सन में आवेगा तो वाइब्रेशन दुनिया वालों को पतित देखने में आवेंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया वालों की दृष्टि भी पतित है, कर्मेंद्रियां भी पतित है, संकल्प भी पतित है, तो भगवान का सारा कारोबार उसे पतित देखने में आता है। प्रश्न को एक बार रिवाइज और करिए जो सब लोग सुन लें। लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानी नहीं होती, लेकिन लक्ष्मी नारायण जो बनाने वाला आत्मा है सदाशिव, उसकी सबसे ज्यादा ग्लानी क्यों होती है? क्यों होती है? है? क्योंकि पतित से पतित तन में आता है, इसीलिए ग्लानी होती है। और तभी दुनिया का फायदा हो सकता है। कब? कि पतित तन में आए तो दुनिया का फायदा हो सकता है, अगर पावन तन में आवे तो दुनिया का फायदा नहीं हो सकता। इसलिए बाप विदेशी बन करके आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आवे तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं सकता। तुझे पूछा है भय बिन हो न प्रीति गुसाई, वो कैसी प्रीति है जो भय के कारण प्रीति होती है? वो कौन सा भय जो प्रीति पैदा कर देता है? अरे 70-71 साल हो गए, प्रीति पैदा हुई? भगवान के प्रति प्रीति पैदा हुई है? नहीं हुई है? प्रीति पैदा हो गई? 100% प्रीति पैदा जिसको हो गई हो तो हाथ उठाए। है? अरे झूठ ही बोल दिया, प्रीति पैदा हो गई है? रामली आत्मा की प्रीति पैदा हो गई है? बोला है जब नाटक खत्म होता है तो अंत में सभी एक्टर्स खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे ही ये भी ड्रामाबाजी है। अभी नाटक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। जब खत्म होने की स्टेज आएगी तो सब पुरुषार्थ में खड़े हो जाएंगे, साहब के कान खड़े हो जाएंगे। क्या कि अब सदगुरु का पाठ चलने वाला है? हिंदुस्तान में एक बार भी मिलिट्री शासन नहीं हुआ? हुआ? नहीं हुआ। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या घट रहा है?
क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नियम बन रहा है, बना हुआ है। भय बिन होए ना प्रीत गुसाई। जो ईश्वरीय नियम है, कायदे कानून है, उनके प्रति प्यार नहीं जगेगा जब तक भय सामने नहीं खड़ा होगा। वो भयभीत करने वाला कौन है? है धर्मराज, धर्म का राजा। राजा होगा तो धर्म स्थापन होगा या बिना राजा के धर्म की स्थापना हो जाएगी? राजा होगा तो राज्य स्थापन होगा। धर्म की धारणा धर्मराज ही करावेगा। स्वेच्छा से कोई भी धर्म धारण नहीं कर रहा है। मुख्य धर्म की धारणा है पवित्रता। ये सद्गुरु का पार्ट है। लास्ट का पार्ट है मासल्ला लागू होगा और सब चौकन्ने हो जाएंगे। अभी कोई मानता ही नहीं कि भगवान आया हुआ है। मानता है? है अगर मानता भी है तो बीच बीच में मन बोलता है भगवान नहीं शैतान है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्या होगी? निराकार को याद करने वाले हैं क्षिप्र पुरुषार्थी। और साकारी याद करने वाले हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी। लक्ष्मी के सामने लक्ष्य होगा। क्या लक्ष्य होगा याद करने का? साकार में निराकार। साकार पुरुषार्थी और नारायण वाली आत्मा क्या लक्ष्य होगा? है निराकार पुरुषार्थी, बापों का बाप, बाप हैं धर्म पिता हैं, उन धर्म पिताओं का भी बाप। धर्म पिताएं किसे याद करेंगे? सब निराकारी याद वाले हैं, ब्रह्मा से लेकर के इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, जो भी हैं, किसको याद करते हैं? है निराकार को याद करने वाले। उनका बाप कौन? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो निराकारी स्टेज में जो सर्वोपरि है वो इतना तीव्र पुरुषार्थी है कि अनेक जन्मों में ये साबित हो जाता है। जो मिसाल देते हैं महारानी विक्टोरिया का वजीर, सिपाही बाबर, एक ही जीवन में तीव्र पुरुषार्थ करके क्या बन गया? सारे भारत का सम्राट बन करके बैठ गया। हर आत्मा में तीव्र पुरुषार्थ,
मध्यम पुरुषार्थ या धीमे पुरुषार्थ के संस्कार समाये हुए हैं। ये संस्कार कहाँ भरे हैं? अभी संगम युग में भर रहे हैं। अपने अपने प्रैक्टिकल जीवन से देख सकते हैं कि हम ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में तीव्र पुरुषार्थी है, मध्यम पुरुषार्थी की लिस्ट में है, या धीमे पुरुषार्थ की लिस्ट में है। बहुत लंबे के पुरुषार्थ का जो टोटल है वो अंत मते सो गते बना देगा, लंबे समय का पुरुषार्थ अंत समय में काम आ जाएगा। पांच ब्रह्मा कौन? जिनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया, कौन बताएगा? हाँ ब्रह्मा। चलो ब्रह्मा सरस्वती दोनों हो गए। सरस्वती में कहाँ प्रवेश किया है? नाम तो है ना है? चार ब्रह्मा में उसका नाम है ना, उनका नाम है चार ब्रह्मा। सरस्वती का नाम ब्रह्मा का है? सीता माता है, सीता माता और अपने वैष्णवी है। चार ही तो हुए, उसमें भी आपने सरस्वती को तो समझाया ही नहीं ब्रह्मा कहाँ है। शिव बाबा प्रवेश करते हैं तभी तो नाम ब्रह्मा पड़ता है, प्रवेश ही नहीं किया तो ब्रह्मा नाम कहाँ से पड़ गया? ब्रह्मा बाबा की सक्रिय सहयोगिनी शक्ति कौन? ओम राधे। ओम राधे ब्रह्मा बाबा को याद करती थी या निराकार को याद करती थी? और निराकार की याद में इतनी क्षिप्र गति वाली थी कि जो कार्य मनन चिंतन मंथन का जो कार्य गहरा कार्य राम वाली आत्मा ने भी नहीं कर पाया, वो कार्य सरस्वती ने किया। कौन सा मनन चिंतन मंथन है? आत्मा के स्वरूप का नहीं, आत्माएं बिंदु बिंदु हैं तो आत्माओं का बाप भी ज्योत बिंदु है। ये ईजाद मम्मा ने की और ये ईजाद वही कर सकता है जो याद में तीखा होगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चे मेरे को जितना जास्ती याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मम्मा की आत्मा के साथ शिव था या नहीं था? है? था, तब तो इतना वंडरफुल पॉइंट निकाला, कोई दूसरी आत्मा ने क्यों नहीं निकाला?
और ऐसा ब्रह्मा है जिसके हाथ में षष्ठी चक्र दिया हुआ है। क्या कौन सा चक्र घुमाया? वो ज्ञान का ऐसा चक्र घुमाया बीज रूप स्टेज में, उसकी शुरुआत उसने की, कोई दूसरी आत्मा ने नहीं की। इसलिए मम्मा है जिसके हाथ में विष्णु के रूप में चक्र दिखाया गया। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, ब्रह्मा के द्वारा कोई पूछे कैसे पता लगता है इनमें बाप भगवान है, जब ज्ञान सुनाते हैं तो ब्रह्मा के अंदर जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान से ही साबित हो जाता है कि वो वेदवाणी भगवान के सिवाय कोई उच्चारण नहीं कर सकता। राम वाली आत्मा में तो साबित ही हो जाता है, वेदवाणी के महावाक्यों के अनुसार साबित हो जाता है। वो तो पहला प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। अब रह गई और दो माताएं। जब प्रजापिता ने यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ दिया तो किसके द्वारा वाणी चलाई जाती थी? है माता के द्वारा वाणी चलाई जाती थी। वो कौन माता थी? है ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। फिर दूसरी मुरली में बोला 10 वर्ष से रहने वाला, माना कोई पुरुष था, ध्यान में जाती थी, माने कोई माता थी। मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। उनमें माने दो या एक? फिर मुरली में बोला इन ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे वास्तव में। इसे क्या साबित हुआ? कि मम्मा बाबा से भी पहले कोई आत्माएं थी जो मम्मा बाबा जैसी आत्मा वही को कंट्रोल करने वाली थी, उनके ऊपर भी सुपरमेसी उन आत्माओं की थी। तो एक बड़ी मम्मी हो गई, बड़ी माँ। अब रही छोटी माँ की बात। बड़ी माँ है ब्रह्मा, बाबाएं दो हैं तो माताएं भी कितनी हैं? दो वेद की माताएं हैं। दो बाबाएं माने एक छोटा बाबा एक बड़ा बाबा। छोटा बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा। बड़ा बाबा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। अब छोटी माँ में तो यज्ञ के आदि में भी प्रवेशता साबित नहीं होती, लेकिन ज्ञान सुनने सुनाने को ही कहा जाता है, समझने समझाने को ही ज्ञान कहा जाता है, धारण करने और कराने को ही ज्ञान कहा जाता है। यह तीनों को ज्ञान कहा जाता है। सुनना भी हो, सुनाना भी हो, समझना भी हो, समझाना भी हो, और साथ साथ धारण करना और कराना भी हो।
प्रैक्टिकल कर्मों के द्वारा ज्ञान दिया जा सकता है या नहीं है? दिया जा सकता है। 70-71 साल हो गए ज्ञान सुनते सुनाते, समझते और समझाते, क्या धारणा में आया? जब खुद की धारणा में नहीं आया तो दूसरों को धारण नहीं करा सकते। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला में वो शक्ति है जिसके लिए मुरली में बोला शहद की मक्खियों की एक रानी होती है। इसके पीछे पीछे सारा झाड़ चला जाता है। ऐसी यूनिटी की पावर है। यूनिटी कैसे आती है? प्योरिटी से आती है। उस आत्मा में जन्म जन्मांतर की ऐसी प्योरिटी है जो शास्त्र में गाई हुई है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। ये मेरी पक्की प्रतिज्ञा है कि वरण करूंगी तो एक ही आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर वरण करूंगी, नहीं तो कुंवारा जीवन रह करके पसंद करूंगी। तो ऐसी जन्म जन्मांतर की अभिविचारी वृत्ति धारण करने वाली 500-700 करोड़ पाठधारी आत्माओं में एक ही आत्मा है। ऐसा पात्रधारी भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जो अपने प्रैक्टिकल धारणा के कर्मों से दूसरों को ज्ञान सिखाई देवे, नहीं तो दुनिया मानने वाली नहीं है। तो वो कार्य शिव का कहेंगे या उस आत्मा का ही कहेंगे? है प्रैक्टिकल कर्म करना और प्रैक्टिकल में ईश्वरीय कार्य के ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार कर्म कराना, ये कोई आत्मा का काम नहीं है। ब्रह्मा ने अगर सहन शक्ति धारण की होती पिछले जन्मों में तो पिछले जन्मों में ही ब्राह्मण धर्म स्थापन कर लिया होता। वो सहन शक्ति किसने धारण कराई? शिव बाप ने। ऐसे ही राम वाली आत्मा में वो मनन चिंतन मंथन की शक्ति के द्वारा प्लानिंग आई होती तो पूर्व जन्मों में ही आ जाती, नई दुनिया बन जाती। लेकिन वो प्लानिंग नहीं आती है। कब आती है? जब शिव बाप प्रवेश करता है। ऐसे ही प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान युक्त कर्मों के आधार पर धारणा न ब्रह्मा में आती है न दूसरी मूर्ति में आती है, तीसरी मूर्ति का ही पार्ट रुधा हुआ है। उस मूर्ति के द्वारा करावनहार कराता है और मूर्ति प्रैक्टिकल कर्म का धारण करती है और दूसरों से कराती है, इसलिए वो भी ब्रह्मा है। ऐसे नहीं मुख से बोल बोल करने वाले कोई ब्रह्मा कहा जाता है। तो पांच ब्रह्मा हो गए, चार भुजाओं के रूप में। भुजाएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है, भुजाएं मनन चिंतन मंथन नहीं करती है, लेकिन भुजाओं को चलाने वाला
जो मन बुद्धि है वो मनन चिंतन मंथन करने वाला राजा है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, हजार भुजा वाले ब्रह्मा का प्रैक्टिकल में कार्य चल रहा है, तो हजार भुजाओं को चलाने वाला भी चाहिए ना। ऐसे ही विष्णु की चार भुजाओं को चलाने वाला भी है, वो कौन है? है राम वाली आत्मा। शंकर के जो बड़ी बड़ी मालाएं पड़ी हुई है उनका क्या अर्थ है? बड़ी बड़ी मालाएं हैं, हाथों में हैं, पेट में पड़ी है, गले में पड़ी है, सर पर पड़ी है, इनका क्या अर्थ है? माला माने संगठन। कोई छोटा संगठन होता है और कोई बड़ा संगठन होता है। संगठन छोटा हो लेकिन पावर ज्यादा हो तो वो संगठन ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा या नीचे स्थान पर? इसलिए आठ आत्माओं का जो संगठन है अष्टदेव, जो बाप के ऐसे बच्चे हैं जो सजाएं नहीं खाते हैं, उनको सर पर दिखाया गया है सबसे ऊंची स्टेज में। दूसरे हैं जो गले की माला है, गले पड़े हुए हैं। क्या कि जब जब सदा से वे सृष्टि पर आवेगा तो उन गले पड़े हुओं को शिव बाबा को राजा बनाना ही पड़ेगा। वो कितने ही पतित क्यों न हो जाए, कितने ही बंदर क्यों न बन पड़े, वो गले पड़े हुए हैं। वो रुद्रमाला है, रुद्रमाला पहले तैयार होती है लेकिन पांच विकारों पर विजयी नहीं होती है, ज्ञान के सूत्र से पिरोई हुई होती है, ज्ञान के सूत्र से संगठित होते हैं। वो ज्ञान का सूत्र निराकार से मिला हुआ है इसलिए संगठित है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, रुद्रमाला के मन के दिल से मिले हुए नहीं है। काहे से मिले हुए है? इस शिव बाबा का ज्ञान है, जिस ज्ञान के आधार पर ज्ञान सूत्र में पिरोए हुए हैं, बंधे हुए हैं। ये बाएं हाथ की माला विशेष है, बाएं हाथ की माला के बाईं ओर के विशेष मणके हैं, हैं गले के मणके, और उसी माला के दूसरे दिशा वाले मणके हैं विजय माला। जो विकारों पर विजय पाने और विजय दिलाने में सहयोगी बनते हैं वो ज्ञानी तो आत्माओं की माला नहीं है, काय की माला है? स्नेह की माला है, प्योरिटी की माला है, साकार स्नेही है। क्या तो ऐसी स्नेही आत्माएं जन्म जन्मांतर की पवित्रता को निभाने वाली है इसलिए स्नेही है। कोई अपन को स्नेही कहे और फिर बीच में धोखा दे दे, साथ छोड़ दे और दूसरे का साथ ले ले,
तो उसे इसलिए ही कहेंगे, नहीं कहेंगे? तो ये जन्म जन्मांतर स्नेह निभाने वाली आत्माएं हैं, इसलिए पवित्रता की माला है। तो दो नारे बन जाते हैं, दाई ओर के मन के, पवित्र जीवन बिताने वाले मन के, इनका नारा है पवित्र बनो, और बाई ओर के मन के योगी बनो। हमारा मुख्य नारा ही क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो। और फिर है बाहों की माला, 1008 सहयोगी हैं ब्रह्मा के, 1000 भुजा वाला ब्रह्मा गाया हुआ है, फिर 16000 आत्माएं भी हैं सहयोगी के रूप में, संगठित होती है, राज परिवार के संगठन में बंधती है, राजयोग सीखने वाली है नंबर वार, इसलिए वो बाहों की माला है, बड़ी माला। राइटिंग नहीं समझ में आ रही। एक मुरली में ब्रह्मा को हराम ज्यादा उल्लू पाजी बोला है गधा, वो शिव वाली आत्मा बोलती है क्या? अरे शिव सदा शिव है या कभी कभी का शिव है? जो सदा कल्याणकारी है वो ऐसे वाक्य उच्चारण करेगा जिसमें गाली भरी हुई हो? गाली तमो प्रधान आत्मा देगी या सतो प्रधान आत्मा देगी? शिव तो सदा शिव है, वो आत्मा कभी भी मुरली में गाली नहीं देती। तो वो कौन सी आत्मा है जो गाली देती है? ब्रह्मा की आत्मा खुद ही खुद को गाली देती है क्या? है लेकिन इंटरफियर करके कौन बोलता है? ब्रह्मा की सोली इंटरफियर करके बोलती है, है? क्यों? अपने को क्या वो नकोटी नहीं मारते थे? है? तो फिर जो प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से एक्ट कर सकता है वो वाचा से नहीं कर सकता? आया है मुरली कौन चलाता है और उसका क्लेरिफिकेशन कौन करता है? और मुरली पढ़ता कौन है? क्या? अरे कोई स्कूल होता है उसमें टेक्स्ट बुक पढ़ने वाला कौन होता है? स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पढ़ता है, टीचर उसका क्लेरिफिकेशन देता है, और टेक्स्ट बुक बनाने वाला कौन होता है? है?
अरे टेक्स्ट बुक बनती है कि नहीं बनती है? प्रोज बनती है, पोएट्री बनती है। प्रोज और पोएट्री का टीचर क्लेरिफिकेशन देता है। अब यहाँ तो बाप टीचर सदगुरु एक ही है या अलग अलग है? है एक ही है, वो एक ही क्रिएटर है। प्रोज भी क्रिएट करता है, पोएट्री भी क्रिएट करता है या कराता है, वही सुप्रीम टीचर है और वही सदगुरु है। पूछा है घर घर में माँ बाप का झगड़ा क्यों होता है? विरोधी होकर क्यों रहते हैं? है? अरे कोई एक घर तो छोड़ दिया जाए। है? पांच सौ सात सौ पार्टधारी है, 700 करोड़। कोई एक तो ऐसा हो जिसके घर में झगड़ा ना होता हो। है? कारण क्या है? है? रावण राजी? नहीं, ये बात सदा सत्य नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी दुनिया में सत्य हमेशा 100% गायब हो जाए ऐसा नहीं होता है। दुनिया का जब आदि होता है उस आदि काल में 100% जब आदि काल है उस समय कोई विष्णु है या नहीं है 100%? तो जो आदि में तो अंत में विष्णु होता है या नहीं होता है? है? होता है। तो जिस बच्चे ने लिखा है वो इस बात को नहीं जानता है कि सृष्टि के आदि में भी विष्णु होता है जिनमें आपस में झगड़ा नहीं होता और अंत में भी जब यज्ञ की शुरुआत होती है उस समय भी विष्णु होता है। इसलिए शास्त्र में गायन है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, नहीं तो ब्रह्मा भी नहीं निकलता। तो ऐसे नहीं है कि हर घर में झगड़ा होता है। अगर हर घर में झगड़ा होता हो तो बाबा का ये महावाक्य झूठा हो जाएगा। कौन सा? हाँ, देवी देवता सनातन धर्म प्राय लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता है। अभी भी भारत में ऐसे ऐसे परिवार हैं, विरले हैं, हर जगह नहीं देखने को मिलेंगे। जिन परिवार में एक मुखिया होता है और ढेर की ढेर बच्चे और उनकी युगलें भी होती है, एक चूल्हे पर खाना बनता है और सब आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, आप भी विचारी परिवार होता है।
विचार का नाम निशान देखने में नहीं आता। मिलजुल करके यूनिटी से रहते हैं। बाकी दुनिया में सब तरह की बातें देखने को मिलनी चाहिए, या कोई ऐसी बात भी है, ऐसी घटना भी है जो देखने को न मिले? सब कुछ देखने को मिलना चाहिए ड्रामा में। तो ड्रामा में ऐसी स्टेज भी आती है जब घर घर में झगड़ा होता है, वो कब होता है? है नहीं, जैसा बीज वैसा झाड़। जब राम बाप प्रजापिता और प्रजा माता, जगत पिता और जगदम्बा का जो पाठ चलता है, उनके बीच में ही झगड़ा होता है, तो सारी दुनिया के सब परिवारों के बीच में झगड़ा देखने में आएगा या नहीं जाएगा? आएगा। तो वो अनुभव ये कोई बच्चा लिख रहा है। बहनों ने भट्टी किया है मगर बाबा से मिले नहीं है। वो सेंटर में रहते हैं मगर वो बाप को याद करते हैं, तो क्या उनका पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा? है? याद का पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं जाएगा व्यर्थ? है? क्योंकि बाप के घर में बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है, कारण या कारण माँ बीमार होती है, बाप इधर उधर व्यस्त होता है, नहीं मिल पाता है, तो क्या बच्चों को वर्षा नहीं मिलता है? तो ऐसे यहाँ भी है। फोटो में तो देखा है, टीवी में तो दिखाई देता है, याद तो कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल मिलना होता है वो याद की छाप और ही ज्यादा पक्की पड़ जाती है, निरंतर और सहज याद हो जाती है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन की ताकत भरी हुई है, दृष्टि की पावर भरी हुई है, और चैतन्य आत्मा के द्वारा डायरेक्ट वाचा की पावर मिलती है। जो मुरली में बोला है, बच्चों से बात करते हैं, तो क्या ये मुरली नहीं है क्या? बात करना भी मुरली है और डायरेक्ट मुरली है। डायरेक्ट मुरली होती है फर्स्ट क्लास, टैप रिकॉर्ड या टीवी में देखी हुई है सेकंड क्लास, नंबर दो का माल, और कागज में पढ़ी हुई अथवा सुनी हुई है थर्ड क्लास। ऐसे मुरली में बोला है, फिर भी कोई ने टीवी में ही देखा है, टीवी में सुना है, या किसी ने पढ़ करके ही सुनाया है, तो वर्षे का हकदार तो बनेगा। क्या थर्ड क्लास मुरली सुनने वाला, सेकंड क्लास सुनने वाला फर्स्ट क्लास का अधिकारी नहीं बन सकता? बेसिक वालों में नहीं बन सकता, लेकिन एडवांस वालों में तो बन ही सकता है।
ओम शांति।